चार साल की बच्ची के साथ बस में रेप करने के बाद हैवान बस चालक ने बच्ची को प्लास्टिक की गोनी में भरकर सड़क पर फेंक दिया। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपको फिर एक बार छोटी और मासूम बच्चियों के साथ हैवानियत जो बरती जाती है उससे संबंधित एक खबर बता रहे। मामला भाईंदर का है। भाईंदर में बांग्लादेश पाड़ा में एक परिवार रहता है, उनकी चार साल की बच्ची अचानक गायब हो गई थी, जो कि बाद में वसई विरार के वालिव पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मानिकपुर इलाके में पाई गई। दरअसल पुलिस जांच में पूरे मामले का जो खुलासा हुआ वो कुछ इस प्रकार है कि इस बच्ची को एक बस ड्राइवर ने अपनी बस में जबरन ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया और फिर उसे प्लास्टिक की एक गोनी में भरकर ले जाके मानिकपुर इलाके में छोड़ दिया था, जो कि वसई विरार में आता है और वालिव पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। वहीं एक महिला ने इस गोनी में हलचल और आवाज सुनने के बाद इस गोनी को खोल कर देखा तो उसमें से बच्ची बरामद हुई और फिर इसी महिला ने उसे वालिव पुलिस स्टेशन के हवाले किया। अंत में वालिव पुलिस स्टेशन और भाईंदर पुलिस स्टेशन दोनों का संपर्क हुआ। यहां भाईंदर पुलिस स्टेशन में पहले ही मां बाप ने बच्ची का अपहरण का दर्ज कराया था। आखिरकार मुखबिरों की मदद से यादव नामी इस बस चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में पूरी जानकारी दी है भाईंदर के सहायक पुलिस आयुक्त शशिकांत भोसले ने। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने क्या बताया और किस तरह से बस चालक यादव को गिरफ्तार किया गया है वो सब हम आपको दिखा रहे हैं। कल भाईंदर पुलिस स्टेशन में एक महिला कंप्लेंट देने आई थी कि उसकी चार साल की बच्ची जो मोहल्ले के कुछ बच्चियों के साथ वहीं पर एक पार्क बस में खेल रही थी, तो बाकी बच्चे लौट आए लेकिन उनकी जो चार साल की बच्ची थी वह वापस नहीं आई, तो उनको डर लगा तो वह भाईंदर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने आई। यह कंप्लेंट जैसे ही PSI वोड़वी साहब को समझ में आई तो उन्होंने इसको गंभीरता से लेते हुए तत्काल जब इंक्वायरी करना चालू कर दिया तो उनको पता चला कि यह बस ड्राइवर बस के साथ वसई में मानिकपुर एरिया में है, तो उन्होंने तपास पथक के साथ फौरन रवाना होते हुए आरोपी को हिरासत में लिया। आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 28 तारीख तक अगले तपास के लिए उनकी पुलिस कस्टडी मंजूर की है। साथ ही साथ इसी दौरान हमारा लड़की को ढूंढना भी जारी था, तो जैसे ही हमने इसको लड़की को थोड़ा सा ढूंढना चालू कर दिया तो हमको इन्फॉर्मेशन मिला था कि वालिव पुलिस स्टेशन में ऐसा ही मिलते जुलती एक लड़की पाई गई है। जब हमको कन्फर्मेशन हुआ उसके बाद में हमारा एक पथक पुलिस पथक वहाँ पर इंक्वायरी के लिए और तपास के लिए भेजा गया है। साथ ही साथ उस लड़की के आगे की वैद्यकीय उपचार के लिए उनको नायर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। पुलिस आगे की तपास कर रही है। धन्यवाद।